बात अब कश्मीर की करेंगे, जहां पर आतंकियों ने फिर खूनी खेल खेला है। श्रीनगर में कल एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकियों ने पुलिसकर्मी की मासूम बच्ची पर भी गोलियां बरसा दी। सड़क पर खून की धार, फायर किए गए कारतूसों के खोखे और लोगों के चेहरों पर तैरती दहशत। कश्मीर घाटी एक बार फिर बेगुनाहों के खून से लाल हो गई। पाकिस्तान परस्तों ने कश्मीर घाटी में हिंदुस्तान की सौगंध देने वाले एक वर्दीधारी का सीना छलनी कर डाला। कश्मीर में दहशत का राज कायम करने का सपना देख रहे आतंकियों की खुद की दहशत का आलम यह था कि पुलिसकर्मी की 9 साल की बच्ची से भी वो खौफजदा हो गए और इस मासूम पर भी गोलियां बरसा दी। श्रीनगर के सौरा इलाके में ठीक इसी जगह पर आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग करते हुए एक पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी और उनकी 9 साल की मासूम बेटी पर गोलियां बरसा दी। सैफुल्ला की बाद में मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी मौत से जंग लड़ रही है। मौके पर खड़े लोगों के चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा है। सिपाही पर उसके घर के ठीक बाहर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। शहीद पुलिसकर्मी सैफुल्ला को श्रीनगर की पुलिस लाइंस में नम आंखों से विदाई दी गई। आईजी विजय कुमार ने यहां आकर शहीद के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाए। इस जो बर्बर हत्या करने में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व है उसको हम लोग आइडेंटिफाई बहुत जल्दी कर लेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज टेररिस्ट ने मानवता के सारे हद को पार कर दिया। उस छोटी सी बच्ची जो 9 साल की थी उसको नहीं छोड़ा, उसको भी फायर किया, वो भी जख्मी हो बेचारी, अभी हॉस्पिटल में है। कश्मीर में हाल के दिनों में सेना और पुलिस ने आतंकियों पर जबरदस्त शिकंजा कसा है। इस साल अभी तक कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों से कुल 74 आतंकी पकड़े जा चुके हैं और इनके पास से 110 विदेशी पिस्टल बरामद हुई हैं। इससे जाहिर हो रहा है कि बड़े हथियारों की जगह आतंकी पिस्टल से एक दो लोगों को निशाना बनाकर फरार होने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। चंद रोज पहले ही श्रीनगर में 2 आतंकियों के पास से विदेशी पिस्टलों का जखीरा पकड़ा गया था। बौखलाए आतंकी टारगेट किलिंग पर उतर आए हैं। इसी महीने 12 मई को बडगाम में टारगेट किलिंग में सरकारी कर्मचारी कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का कत्ल कर दिया गया था। एलजी मनोज सिन्हा ने मंगलवार को उसके परिवार वालों से मिलकर हौसला दिया। आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको डर सता रहा है कि वो सफाई की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी आज तक।